नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, यूपी बीजेपी ने घोषित किए हैं एमएलसी प्रत्याशियों के नाम। पहले चरण में 30 प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह और बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा से अवधेश सिंह मंजू और फैजाबाद से हरिओम पांडे, महाराजगंज से सीपी चंद, देवरिया से रतन पाल सिंह, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, बलिया से शिव शंकर सिंह पप्पू, गाजीपुर से चंचल सिंह, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से सपा निरंजन इटावा, फरुखाबाद से प्रांशु दत्त द्विवेदी, आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषि पाल। ये नाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है एमएलसी की लिस्ट ये जारी की है और ये तमाम नाम उसी लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र भाटी और मेरठ गाजियाबाद से धर्मेंद्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से बंदना का नाम है शामिल इसमें। और पहले चरण में 21 मार्च तक होगा प्रत्याशियों का नामांकन। दूसरे चरण में अगर बात करें तो 6 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से एसके बाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, ये नाम जो जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, इनमें उन मंत्रियों के नाम नहीं है जिन्होंने चुनाव हारा है अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो विधान परिषद की निकाय स्थानीय निकाय की 36 सीटों पर चुनाव होना है, उन 36 सीटों में से प्रथम चरण की 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें कई चीजें अहम है। अगर हम देखें तो 10% महिलाओं को भी इसमें भागीदारी दी गई है। अगर हम 30 सीटों को देखेंगे तो 3 महिलाएं हैं। उसके अलावा अगर जो 11 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और चुनाव हार गए थे, उन 11 मंत्रियों में से किसी को टिकट फिलहाल नहीं दिया गया। हालांकि 6 सीटें अभी बाकी हैं जिनका नामांकन दूसरे चरण में होना है। क्योंकि पहले चरण का नामांकन की तिथि पहले 19 मार्च थी, बाद में उसको 2 दिन बढ़ाकर 21 मार्च कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो पहले चरण के 30 प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए हैं। इसमें कई अहम नाम भी हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर आने वाले 4 प्रत्याशी, जिसमें सीबी चंद्र है, नरेंद्र भाटी है, उसके अलावा पप्पू है। ये वो नाम है जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से ठीक ले शामिल हुए थे। उनको उन 8 में से 4 को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। हालांकि 6 सीटें अभी बाकी हैं और 4 प्रत्याशी भी ऐसे बाकी हैं जो कि समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी आए थे। कहीं ना कहीं संभव है कि उनको भी आगे आने वाली सूची में एडजस्ट कर दिया जाए। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी के लिए अगर हम देखें तो अब विधानसभा के बाद विधान परिषद सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक 5 साल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण मत की सरकार रही है, लेकिन बावजूद इसके उच्च सदन जो विधान परिषद है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत अभी भी नहीं है। अभी भी समाजवादी पार्टी बहुमत में है। अगर हम 2016 की बात करें तो जब इन 36 सीटों पर इसके पहले चुनाव हुआ था उस दौरान समाजवादी पार्टी ने 36 में से 31 सीटें जीती थी। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी लगातार उच्च सदन विधान परिषद में बहुमत के साथ स्थापित है। अब बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चीजें आसान होने जा रही हैं, क्योंकि जहां विधानसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, वहीं इन 36 सीटों में से अगर बीजेपी के 31 प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो बीजेपी समाजवादी पार्टी से काफी आगे निकल जाएगी और विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो जाएगा। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद में चलिए इसके आपको बीच में रुकना पड़ेगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए, पहले उनसे सवाल लेंगे। राकेश जी, बीजेपी को भी बंपर जीत हासिल हुई है विधानसभा चुनाव में और अब ये एमएलसी चुनाव है, तो बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है और किस तरह की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, जनता का जिस तरह का जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें पूरा विश्वास है कि जो 36 की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, हम इन सभी 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। आज हमने 30 सीटें ऐसी घोषित की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य परिश्रमी और कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाने का काम किया है और इसमें जनप्रतिनिधि अपना वोट डालते हैं। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि इस समय भारतीय जनता पार्टी से अभी अभी जीत करके आए हैं और इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि अलग अलग चुनाव हुए हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हुए हैं, इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इन विधान परिषद के चुनाव होंगे तो इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना भगवा लहराएगी, परचम लहराएगी। जी, भारतीय जनता पार्टी एमएलसी चुनाव को कितना महत्वपूर्ण देखती है? क्योंकि अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर छोटे से छोटे चुनाव को बहुत इंपॉर्टेंस देती है और अभी हाल ही में जीत दर्ज की है, तो उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चुनाव को हल्के में ले भारतीय जनता पार्टी?
कि पहले से ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि विधान परिषद विधान भवन के दोनों सदनों में चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो दोनों जगह बहुमत होना आवश्यक है। दोनों जगह जब बहुमत होता है तो हम बहुत सारे कानूनों को आसानी से पारित करा सकते हैं और ये एक गोल्डन चांस है जब भारतीय जनता पार्टी इन 36 सीटों में अपना बहुमत ला करके इन सीटों को जीत करके विधान परिषद में भी अपना बहुमत ले आएगी और इन बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए हम कई नए कानूनों को हम बना सकते हैं, उनको हरी झंडी दिला सकते हैं, अनुमति दिला सकते हैं। इसके लिए विधान परिषद में हमारा बहुमत होना जरूरी है और ये 36 सीटें इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रखती है। भाजपा पूरी ताकत के साथ अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में जाएगी और इस चुनाव में भी अपनी विजय पताका लहराएगी। राकेश जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कोई बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा? जैसे कि अभी आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव में लगातार बड़े बड़े नेता जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, तो क्या इस बार एमएलसी चुनाव के लिए भी इसी तरह से कुछ नजारा देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी की अपनी एक विशिष्ट रणनीति है, विशिष्ट कार्य पद्धति है। हम हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ जाते हैं और निश्चित तौर पर चूंकि ये चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होता है जिसमें बड़ी सभाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें रैलियां करने की जरूरत नहीं होती है, रोड शो की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों को कैसे भाजपा के पाले में किया जाए, कैसे उनको साथ में जोड़ा जाए, कैसे उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए भाजपा के पक्ष में, इसके लिए अगर बड़े नेताओं की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शिरकत करेंगे, इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए राकेश जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 30 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जो अभी हमने आपको नाम बताए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों को लिस्ट जो जारी की है वो 30 लोग हैं जिनके नाम जारी किए हैं। और आपको बता दें कि 4 एमएलसी ऐसे भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आए थे बीजेपी में, उनको टिकट मिली है। हालांकि एक जो बड़ा सवाल जो खड़ा किया है वो इस तरह से किया है कि 11 जो मंत्री हैं जो हार गए थे चुनाव, उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। बड़ी आशंका जताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि इनका नाम जो है इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन उन मंत्रियों का नाम इसमें शामिल नहीं है। और इसके हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इसके के पास जाएंगे। इसके जो समाजवादी पार्टी है उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया था विधानसभा चुनाव में, हालांकि जीत दर्ज नहीं की थी, लेकिन प्रदर्शन की अगर बात करें तो अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। विपक्षी पार्टियों में खड़ी है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारी करेगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लिए जरूर करो या मरो की स्थिति होगी, क्योंकि अब विधानसभा में उनका बहुमत नहीं है। 2017 के बाद से वो लगातार अल्पमत में चल रहे हैं और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 से लेकर अभी तक है। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही, हालांकि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बहुमत है। अब सपा के लिए चुनौती जरूर होगी, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। तो ऐसी स्थिति में सपा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपना बहुमत विधान परिषद में बचाए रखना। और निश्चित है कि समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा एमएलसी प्रत्याशी जीत कर आए और विधान परिषद में अपने बहुमत को बनाए रखा जाए। अब देखना यह है कि जब समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उतर रही है और अपने प्रत्याशी भी घोषित कर चुकी है, तो जनता कितने प्रत्याशियों को जिताकर सदन भेजती है। हालांकि अगर हम इसके वोटर्स की बात करेंगे तो उसमें सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी और साथ ही साथ निकायों के सभासद जो होंगे वो वोट करेंगे। तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लिए कठिनाई जरूर है। अब देखना यह है कि जब 9 अप्रैल को इस चुनाव का मतदान होगा, उसके बाद 12 अप्रैल को जब इसके परिणाम आएंगे, तब यह देखा जाएगा कि आखिर किसने कितनी सीटें गेन की हैं और समाजवादी पार्टी अपना बहुमत बचा पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए राह आसान है और समाजवादी पार्टी के लिए अपना बहुमत बचाए रखना बहुत कठिन है। जी इसके आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रहा आसान है, समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन ये जो 30 लोगों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, इनमें जो लोगों के नाम हैं उनमें क्या किसी दागी का भी नाम शामिल है? बिल्कुल, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि चुनाव चूंकि होने जा रहा है तो कोई भी ऐसा प्रत्याशी फिलहाल शामिल ना किया जाए जिस पर कोई आरोप हो। हालांकि ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी से आए हुए 4 लोगों को जरूर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं भाजपा बचने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के लिए चीजें आसान इस वजह से भी हैं क्योंकि ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, ज्यादा विधायक बीजेपी के हैं और ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए राहें आसान हैं। अब देखना यह है कि जब चुनाव होगा तो आखिर परिणाम क्या आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके के सिनेरियो अभी बने हैं इन क्षेत्रों में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर सुखद संदेश हैं। चलिए, इसके तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर जिला कारागार में बड़े धूमधाम से कैदियों ने होली का त्यौहार मनाया। जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी, जेलर राजेश पांडे, डिप्टी जेलर प्रदीप सिंह और जेल के सभी स्टाफ कैदियों ने होली खेली और सभी ने एक साथ मिलकर होली का जो त्यौहार है उसको धूमधाम से मनाया। धूमधाम से कैदियों ने होली खेली और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने भी होली खेली और सभी स्टाफ ने एक दूसरे को रंग लगाया और खुशियों का त्यौहार होली मनाया। आपसी भाईचारा इस दौरान नजर आया। डिप्टी जेलर भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर होली का जश्न मनाया। जिला कारागार में धूमधाम से होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और जमकर होली खेली। नाच गाना भी इस दौरान हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं।